जनरल बाजवा से एक दफ़ा इमरान खान की वजारत उज़्मा के हवाले से बात हो रही थी, आर्मी चीफ की बात कर रहा हूँ, तो इन्होंने कहा कि इमरान खान के मुतल्लिक आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। हाँ। इस सारी विजिट का और ये फ़ायदा होता है आप जैसे लोगों को बुलाने का कि अहम और अंदर के किस्से मिल जाते हैं जी। तो उन्होंने कहा इमरान खान के मुतल्लिक, क्योंकि ये नौ मोस्ट थे वजारत उज़्मा में, इन्होंने कभी हुकूमत नहीं किया, एज अपोजिशन तो इन्होंने बहुत खूब धड़ल्ले से 20-22 साल यहाँ पर डी चौक में भी सारा कुछ किया होगा। तो उन्होंने कहा ये जो तीन लफ्ज़ इस्तेमाल किए मैं अभी पूरे याद हैं, दोबारा दोहराऊंगा कि वो कमिटेड है, ऑनेस्ट है और हार्ड वर्किंग है। तीन लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए। फिर ये जो ऑयल रिफाइनरी वाली इन्वेस्टमेंट है इसके मुतल्लिक उन्होंने जिक्र किया कि ये जनरल बाजवा ने इमरान खान की तीन जो खसूसियात बयान की, ये तीन खसूसियात थी कि कमिटेड है, ऑनेस्ट है और हार्ड वर्किंग है। तो वो फिर उन्होंने कॉन्टेक्स्ट हमें दिया कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने चीज़ें बयान की। एक उन्होंने हमें वो पोम्पियो के विज़िट का बताया, उन्होंने कहा कि वो आए थे तो प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग वगैरह फॉरेन ऑफिस ने भी की, बाकी जो मिलिट्री ऑफिशल्स थे उन्होंने भी की। तो जब ये उनसे मुलाकात इनकी चल रही थी तो ये लग रहा था कि वो एक्सपर्ट है अपनी एरिया के अंदर, ये कहीं नहीं था लग रहा कि इनको दो रोज़ पहले ब्रीफिंग दी गई। तो ही डिड वेरी वेल, ये उनके लफ्ज़ थे कि ही डिड वेरी वेल। और फिर ये सऊदी जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है इसके मतलब एक तासुर तो यही है कि पहले आर्मी ने जाके सऊदी अरब में राह हमवार की, फिर यूएई में राह हमवार की, इवन कतर के विजिट से पहले आर्मी और डीजीआई का विजिट हुआ, डीजीआईएसआई का, और फिर प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए। तो ये जो टर्निंग पॉइंट था इसमें फ़ौज ने जीएचक्यू ने हम रोल अदा किया, हमारी उसमें फॉरेन पॉलिसी का भी दखल था। हाँ। उसके अंदर हमारी कुछ एक्सपर्ट्स और टेक जो मिलिट्री कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा शायद खाकान अब्बासी के वक्त भी ये कोशिश की गई थी और ख़ुद जनरल बाजवा साथ गए थे। ये हमें किसने बात बताई, ये किसी और ने, किसी सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल ने बात बताई कि जनरल बाजवा भी थे और शायद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे। तो उस वक्त भी क्योंकि ये इंडिया के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का इनका इरादा था, तो पाकिस्तान ने कहा आप इंडिया में 40-42 अरब डॉलर की रिफाइनरी लगा रहे हैं, कोई हमें भी 5-6 अरब डॉलर की रिफाइनरी पाकिस्तान में भी लगा दें। तो शायद खाकान अब्बासी उस वक्त वज़ीर आज़म थे, जनरल बाजवा साथ थे। तो मुझे उन साहब ने बताया, वेरी सीनियर ऑफिशियल, मैं उनका नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, अभी जॉब में है। तो उन्होंने कहा कि वो मीटिंग जो थी हार्डली कोई 52 सेकंड में मीटिंग ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ब्रदर इंशाल्लाह। तो वो आर्मी चीफ उसके ऊपर उन्होंने मुझे बताया कि ही वाज वेरी अनहैप्पी कि ये हमारे साथ इन्होंने ये इससे ज़्यादा इनको बेहतर रवैया होना चाहिए था। लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर का दूसरा विजिट होता है इमरान खान का, उससे पहले फ़ौज वाले कुछ राह हमवार कर चुके थे, जनरल बाजवा की भी इंट्रैक्शन चल रही थी, या उनका कुछ सऊदीज़ का इंटरेस्ट था कि ये जो टू होली सिटीज़ का तहफ़ है उसके लिए पाकिस्तान को कुछ और करना चाहिए। तो यहाँ से हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स पहले भी वहाँ मौजूद थे, जनरल रहील के बाद कुछ तादाद में उसकी इजाफा भी हुआ। तो जो दूसरा विज़िट इमरान खान का था वो मेरे ख्याल में एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें फ़ौज भी अपनी वो जो रिलेशनशिप थी उसको मज़ीद बिल्ड कर चुकी थी, जहाँ ट्रस्ट डेफिसिट था उस जगह को हमवार किया जा चुका था। फिर जब प्राइम मिनिस्टर गए तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने जब उस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में जाना था, खशोगी के वाक़े के बाद ये हुई थी और उसमें बहुत सारे लोगों ने आने से इनकार कर दिया था, तो इमरान खान वहाँ गए थे। तो ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इनको इमरान खान को अपनी गाड़ी में बिठाकर और बाकी सारे लोगों को छोड़कर उस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में ले गए। वो जो दरमियान में इनकी दोनों की वन ऑन वन गुफ्तगू उस रास्ते में हुई है कोई आधे पौने घंटे, वो शायद एक मेरे ख्याल में नुक्ता आगाज़ था जिससे ये नई रिलेशनशिप आगाज़ हुई है। वो सिंपल यही था कि भाई आप हमारे साथ दो इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ तरक्की यहाँ पे भी आएगी, तुम्हारे भी सम्राट तुम्हें भी मिलेंगे, हमें भी मिलेंगे।